In surface chemistry, till now we discuss two topic. One is adsorption and second is catalyst. Now we move on third topic and last topic of the surface chemistry, which is a colloidal solution or colloidal state. अब colloidal state क्या होती है या कोलाइड कहते किसे हैं, ठीक है बच्चों? तो कोलाइड जो है ये सॉल्यूशन का ही एक टाइप है. अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप. वन इज कॉल्ड सस्पेंशन, सेकेंड इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूट पार्टिकल. इफ पार्टिकल इज इन बिटवीन 10^-3 टू 10^-5 सेंटीमीटर, पार्टिकल साइज इन बिटवीन 10^-3 टू 10^-5 सेंटीमीटर, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन. ठीक है बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिए डस्ट पार्टिकल जो है उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है बेटे, तो वो पार्टिकल आप इजीली नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो अगर पार्टिकल साइज 10^-3 टू 10^-5 सेंटीमीटर के बीच लाई करता है, देन इट इज़ कॉल्ड सस्पेंशन. बट इफ़ द पार्टिकल साइज लाइज इन बिटवीन 10^-5 टू 10^-7, देन इट इज़ कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन. राइट, इफ द पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 10^-5 टू 10^-7, देन इट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन. एंड थर्ड इज ट्रू सॉल्यूशन इफ पार्टिकल साइज इज 10^-7 सेंटीमीटर टू 10^-8 सेंटीमीटर, देन इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन. तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन मींस जैसे फॉर एग्जांपल अ शुगर सॉल्यूशन इन वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर आर द ट्रू सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स बच्चों बहुत सारे होते हैं, स्टार्च है, सेलुलोस है, नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं, जैसे आपका पॉलीमर्स हैं, पेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, काजल है, शू पॉलिश है, प्रिंटर इंक है, ये सारे आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं और इसीलिए टॉपिक आप पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज वेरीज फ्रॉम 10^-5 टू 10^-7 सेंटीमीटर, और आप कह सकते हैं 10 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 10^-3 आर्मस्ट्रॉन्ग. इफ द पार्टिकल साइज लाइज इन बिटवीन दीज टू, देन इट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन. अब देखिए, कोलाइडल जो है ये कोई सब्सटेंस नहीं है. जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम कहते हैं ना, कोई सब्सटेंस मतलब जैसे कोई चीज़ नहीं है ये कोलाइडल. ठीक है बेटे, ये स्टेट ऑफ द सब्सटेंस है. ठीक, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. भाई उसी चीज़ को आप गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है बेटे, सॉलिड को आप लिक्विड में ला सकते हो, लिक्विड को आप गैस में ले जा सकते हो. तो क्या है, वो स्टेट ऑफ द सब्सटेंस है एट अ पर्टिकुलर कंडीशन. वैसे ही कोलाइडल इज ऑल्सो स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, तो हम कहते हैं द टर्म कोलाइड डज नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सब्सटेंस बट इज अ स्टेट ऑफ अ मैटर, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है. एंड एनी सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट इन टू कोलाइडल स्टेट बाय अ सूटेबल मीन्स, राइट, बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड वी कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस इन अ कोलाइडल स्टेट. ठीक है बेटे, जैसे अब आगे हम डिस्कशन भी करेंगे हाउ टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन, तो एनी सॉल्यूशन कैन ब्रिंग इन कोलाइडल स्टेट बाय अ पर्टिकुलर मेथड और पर्टिकुलर मीन्स. क्लियर ही बात बच्चों? तो पार्टिकल साइज जो है इस पर बेस्ड है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कॉमनली सोल भी कहते हैं. ठीक है बेटे, सिंपली सोल.
बट सोल जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जो अगर स्पेशली डिफाइन किया जाए तो अगर सॉलिड और इसका सॉलिड और लिक्विड का कोलाइडर बन रहा है तो उसे सोल कहते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड के सॉल्यूशन को सोल कहेंगे, सल्फर के सॉल्यूशन को सोल कहेंगे, ठीक है। खैर बच्चों से पहले एक चीज़, अब इसमें टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर हम टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में जाने से पहले, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस, देखिए आपने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस पढ़े हैं। होमोजीनियस उसे कहते हैं विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, जिसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, आइडेंटिफाई ना कर सकें, उसे कहते हैं होमोजीनियस। एंड हेट्रोजीनियस मीन्स जिसमें आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सको, तो कोलाइडल जो आपका है वो आता है हेट्रोजीनियस। जो ये थ्री टाइप्स हैं सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू, इसमें ओनली ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस एंड सस्पेंशन एंड कोलाइडल आर इन हेट्रोजीनियस स्टेट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस है मतलब दो चीज़ें इसके अंदर हैं, तो जो ये दो चीज़ें प्रेजेंट हैं इसके अंदर, इसमें से एक को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन फेज और डिसकंटिन्यूअस फेज कहते हैं, और दूसरा कहलाता है डिस्पर्शन मीडियम और कंटिन्यूअस फेज, ठीक है, और डिस्पर्स फेज कहलाता है। अब ये डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, देखिए जैसे अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में हम एक चीज़ सॉल्यूट लिखते हैं और एक को लिखते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो यहाँ पर डिस्पर्शन फेज होगा, एंड मीडियम जो है वो सॉल्वेंट जो है वो डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को ही यहाँ पर डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम जो है इस नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो डिस्पर्शन फेज है वो आपका जो सॉल्यूट हुआ करता था, बट यहाँ पर डिस्पर्शन फेज ही कहेंगे, या इसी को डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं। और डिस्पर्शन मीडियम जो सॉल्वेंट होता था हमारा, यहाँ पर डिस्पर्शन फेज होगा, मीडियम होगा, इसको कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं, ठीक है बेटे, क्लियर ही बात। वही लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट वाली बात है सॉल्यूशन, जैसे हमने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट में की। अब कुछ चीज़ों को यहाँ स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, जैसे इफ डिस्पर्शन फेज इज अ गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज अ लिक्विड, इफ डिस्पर्शन फेज इज अ गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज अ लिक्विड देन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज टर्म एज फोम। क्या कहेंगे इसको, फोम कहते हैं। जैसे आपका फ्रोथ ऑफ, जैसे होता है फ्रोथ हम जो बनाते हैं एयर, फ्रोथ ऑफ एयर वगैरह जो होते हैं वो इसमें आते हैं। एंड इफ बोथ आर इन लिक्विड मीन्स डिस्पर्शन फेज इज इन लिक्विड स्टेट एंड मीडियम ऑल्सो इन लिक्विड देन इट इज कॉल्ड इमल्शन। इमल्शन को हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे आपको है इमल्शन, बट इमल्शन की एग्जांपल है जैसे आपका पेंट्स हो गया, ठीक है बेटे, उसके बाद आपका मिल्क है, क्रीम है, ऑल दिस बिलोंग्स टू इमल्शन। एंड इफ डिस्पर्शन फेज इन लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड देन इट इज कॉल्ड जेल, जैसे आपकी ये जो हेयर जेल होती हैं या आपका कर्ड है, चीज़ है, ये सारा किसमें आता है, जेल में आता है। एंड इफ डिस्पर्शन फेज इज सॉलिड एंड मीडियम इज गैस देन इट इज़ कॉल्ड एरोसोल। एरोसोल जैसे स्मोक है, स्मोक एरोसोल में आती है। तो ये कुछ ऐसे बहुत सारे हैं, बट हमने वो लिए हैं जो कॉमन हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटे। तो इनके याद रखिएगा, व्हेन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अ डिस्पर्शन फेज एंड अदर इज डिस्पर्शन मीडियम देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट, राइट, ठीक है बेटे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये जो डिस्पर्शन फेज एंड मीडियम है, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इनमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली कोलाइडल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, कोलाइडल इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड। अब वॉट इज लायोफिलिक एंड वॉट इज लायोफोबिक, इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
dispersion phase and medium, then the colloidal is called lyophilic. ठीक है बेटे, अगर बहुत ज़्यादा strong force of attraction है between dispersion phase and dispersion medium, then उस case में हम इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहते हैं lyophilic. ठीक है बेटे, and अगर weak force of interaction है तो उसे कहते हैं lyophobic कहते हैं. ठीक है बेटे, क्लियर ये बात. तो लायोफिलिक मतलब इसे कहते हैं ना वेरी लविंग, आपस में हाई अट्रैक्शन हो उसे कहते हैं. जैसे इमल्शन है, जिलेटिन है, प्रोटीन है, स्टार्च है, ये सारे क्या हैं, ये लायोफिलिक है. लायोफिलिक जो होते हैं, ठीक है बेटे, लायोफिलिक की हम बात करें, ये रिवर्सिबल कोलाइड्स होते हैं, या इनको हम कलेक्टिवली जो है रिवर्सिबल कोलाइड्स भी कहते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि लायोफोबिक जो है वो इररिवर्सिबल होते हैं. ठीक है बेटा, लायोफोबिक आर इररिवर्सिबल एंड लायोफिलिक आर रिवर्सिबल कोलाइड्स भी कहलाते हैं. ठीक है बेटे, तो याद रखिएगा, लायोफोबिक कोलाइड्स में जैसे आपका गोल्ड का सोल्यूशन है, सल्फर का सॉल्यूशन है, मेटल के सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे आगे चल कर, वो सारे लायोफोबिक कहलाते हैं. तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स क्या हो गए बेटा, लायोफिलिक वो होते हैं व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड मीडियम, एंड इफ देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन दे आर कॉल्ड लायोफोबिक. राइट, अब लायोफिलिक एंड लायोफोबिक की हम बात करें बच्चों, तो लायोफोबिक जो है, ठीक है बेटे, इसको ज़्यादा ईजिली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब इसके लिए हमें यहाँ पर स्पेशल मेथड यूज़ करनी पड़ेंगे फॉर देयर प्रिपरेशन, बिकॉज दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसीलिए हमें स्पेशल मेथड अभी टॉपिक करेंगे उसमें यूज़ करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड. जबकि लायोफिलिक की अगर बात करें तो ये ईजिली प्रिपेयर हो जाते हैं बाय शेकिंग और बाय वार्मिंग. ठीक है बेटे, जैसे आपका जो नेचुरल कोलाइड्स हैं सारे लायोफिलिक होते हैं, प्रोटीन है, जिलेटिन है, गम है, दे आर ऑल लायोफिलिक, दे प्रिपेयर वेरी ईजली ओनली शेकिंग विद द सिंपल सॉल्वेंट और वार्मिंग विद द सॉल्वेंट. अगर हम बात करें सॉलिबिलिटी की, तो लायोफोबिक जो होते हैं क्योंकि इनके अट्रैक्शन कम है, दे आर लेस सॉलिबल, जबकि इन केस ऑफ लायोफिलिक क्योंकि हाई अट्रैक्शन है, दे आर मोर सॉलिबल. देन लायोफोबिक जो हैं ये इररिवर्सिबल होते हैं, मींस वंस दे आर प्रिपेयर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट लायोफिलिक कैन सेपरेट बाय यूजिंग अ डिफरेंट मेथड, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल कहते हैं. ठीक है, रिवर्सिबल कहेंगे लायोफिलिक को. तो ये कुछ इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी आगे और डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ. तो ये था बेटा आपका वॉट आर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. देन देयर आर टू टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वन इज लायोफिलिक एंड अदर इज लायोफोबिक, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. देन द टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब अभी हम डिस्कस थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था कि फॉर लायोफोबिक देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर देयर प्रिपरेशन, और लायोफिलिक की हम बात अगर करें प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन के लिए, तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड जैसे स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दीज सब्सटेंस इन वाटर आइदर इन कोल्ड और वॉर्म. सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोप, ठीक है, जो डाइज होती हैं, ऑल्सो प्रिपेयर बाय सिमिलरिटी. मतलब ये जो है, देखिए लायोफिलिक में मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स दे कैन बी ईजिली प्रिपेयर. ठीक है बेटे, तो इनको आप सिंपली प्रिपेयर कर सकते हैं किस तरह से, किसको, लायोफिलिक को. ठीक है बेटे, लायोफिलिक को जो अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, कोल्ड और हॉट वाटर में इन सब्सटेंस को ऐड करेंगे और इससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं लायोफिलिक. लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक में जैसा हमने बात किया था कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो हमें यहाँ पर मेथड यूज़ करनी पड़ेगी
तो अगर आपको लायोफॉबिक कोलाइड प्रिपेयर करना है तो जो सब्सटेंस बल्क में होते हैं, मतलब बड़े बड़े पीसेस में होते हैं, उनको ब्रोकन डाउन करना होगा इनटू स्मॉल पार्टिकल या कोलाइडल डायमेंशन में, जो कि आपका 10 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 10 टू द पावर 3 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच होता है, ठीक है। और द साइज ऑफ पार्टिकुलर, मतलब पार्टिकल को आपस में एग्रीगेट करके इकट्ठे लाना होगा। मतलब दो तरह के आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, आइदर बाय ब्रेकिंग बिग लंप इनटू कोलाइडल डायमेंशन और बाय एग्रीगेटिंग स्मॉल पार्टिकल इनटू कोलाइडल डायमेंशन, ठीक है बेटे। तो उसके अकॉर्डिंगली देर आर टू मेथड, वन इज डिस्पर्शन फेज मेथड एंड अदर इज कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मेथड मीन्स, डिस्पर्शन मेथड का मतलब होता है बेटा कि आपने जो आपके बिगर बिगर मॉलिक्यूल्स हैं कोलाइडल, मतलब लंप हैं, उनको स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है और कोलाइडल डायमेंशन में लाना है। एंड इसका रिवर्स कंडेंसेशन मेथड मींस स्मॉलर पार्टिकल्स को एग्रीगेट कराकर कोलाइडल डायमेंशन में लाना है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं दोनों मेथड। तो बेटा यहाँ पर अलग अलग मेथड हैं जो हमने डिस्कस करनी है दोनों के लिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड का मतलब क्या हुआ, बाय स्प्लिटिंग एग्रीगेट्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू कोलाइडल साइज, मतलब जो बड़े बड़े आपके लंप हैं उनको आपने कोलाइडल साइज में कन्वर्ट कराना है, इसे कहते हैं आप डिस्पर्शन मेथड कहते हैं। अब फॉर डिस्पर्शन मेथड देर आर सेवरल अदर मेथड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कोलाइड। तो फर्स्ट है मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड जो है बेटा, इसमें सॉलिड मटेरियल जो है उसको पहले हम ग्राउंडेड करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में करते हैं बाय यूजुअल मेथड, जो भी मेथड आप यूज़ करते हैं बहुत छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद वो जो आपके पार्टिकल्स हैं उनको मिक्स करते हैं डिस्पर्शन मीडियम, जो आपसे मतलब जिसमें कोर्स जो है सस्पेंशन में आ जाए, वो सस्पेंशन जो फॉर्म हुआ है उसको फिर हम ऐड करते हैं कोलाइडल मिल। क्या किया बेटा, सबसे पहले जो बिग लंप्स थे उनको कन्वर्ट किया हमने किसके अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उनको फिर डिस्पर्शन मीडियम में डालकर सस्पेंशन बनाया और उस सस्पेंशन को फिर हम कोलाइडल मिल में ऐड करते हैं। अब ये कोलाइडल मिल क्या होती है बच्चों, कोलाइडल मिल जो है ये एक तरह की, जैसे पुराने टाइम पे आटा चक्की यूज़ करते थे, दो पार्ट होते थे, एक फिक्स और एक मूवेबल, वैसे ही दो जॉज होते हैं, एक फिक्स होता है एक मूवेबल होता है और इनके बीच में बहुत स्मॉल गैप होता है, ठीक है बेटे। और इसमें ऊपर से हम सस्पेंशन ऐड करते हैं, मूवेबल जॉ जो होता है उसमें एक पाइप लगा होता है या फनल टाइप का होता है, उससे डिस्पर्शन सस्पेंशन ऐड करते हैं और इसको काफ़ी हाई स्पीड पर जो मूवेबल जॉ है इसको रोटेट कराते हैं, अबाउट 7000 पर मिनट रिवॉल्यूशन की स्पीड से मूव करता है और आपको जो यहाँ से मिलेगा डिस्चार्ज मिलेगा, वो डिस्चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइडल डायमेंशन में आ जाते हैं, ठीक है बेटे। और कई बार इसमें एक सूटेबल स्टेबलाइजर ऐड करते हैं फॉर मेकिंग कोलाइडल स्टेबल, ठीक है बेटे। तो इस तरह के जैसे इस मेथड का यूज़ करते हैं जो ग्रेफाइट, कोलाइडल ग्रेफाइट यानी ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, प्रिंटिंग इंक हो गया, उसके बाद इसका यूज़ करते हैं बेटा हम उसके लिए टैनिंग इसमें यूज़ होता है, ग्रेफाइट व गम हो गया, गम अरेबिक इसको यूज़ करते हैं एज एन स्टेबलाइजर। तो बेसिकली जो है बेटा इसका यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, जो आप ये यूज़ ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटर इंक, किसका, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड का, ठीक है बेटा। मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बट ये है कि आपको सिलेबस में तो आपको याद रखनी है, मैकेनिकल डिस्पर्शन इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इन विच अ बिगर लंप और बिग मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रैग आर्क मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रैग आर्क मेथड, ये मेथड यूज़ की जाती है स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, सच टाइप ऑफ मेटल्स के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट मेथड है। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए हम,
इसको स्ट्रक किया, यहाँ पर एक हमने फिलामेंट लगाई हुई है और इसको आपने डाल दिया वाटर प्लस केओच, केओच यहाँ स्टेबलाइज़र है, और ये पूरा जो बाथ है इसको प्लेस किया आइस बाथ में, इलेक्ट्रिकल आर्क लगा दी। ठीक है बेटे, ये सेटअप है इस ब्रैग आर्क मेथड का जिसको यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आर्क इज स्टक बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड में स्टक किया हुआ है अंडर द सरफेस ऑफ वाटर कंटेनिंग सम स्टेबलाइजिंग एजेंट सच एज KOH इज यूज एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। द वाटर इज कूल्ड बाय इमर्जिंग इन कंटेनर ऑफ एन आइस बाथ। ठीक है बेटे, यहाँ पर अच्छा द इंटेंस हीट ऑफ द आर्क, ये जो आर्क है इसकी इंटेंस हीट वेपोराइज सम ऑफ द मेटल, ठीक है, विच कंडेंस अंडर कोल्ड वाटर। मतलब जो ये मेटल की रॉड यूज, इसका आपने कोलाइडल बनाना है, उसकी रॉड ले लेंगे, सम ऑफ द मेटल वेपोराइज होगा, उसको कंडेंस कर देंगे आइस कोल्ड उसकी वजह से, और इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड और प्लैटिनम और सिल्वर बाय यूजिंग ब्रैग आर्क मेथड। अब ये जो ब्रैग आर्क मेथड है इसमें बेटे हम जो है इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हीट जनरेट होती है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो यहाँ पर लेनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय डिस्पर्शन मेथड, एंड दिस इज पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड बच्चों, पेप्टाइजेशन मेथड जो है इसका यूज़ ही कैसे करना है। पेप्टाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, इसमें एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रेसिपिटेट है उसमें से एक आयन कॉमन होना चाहिए विद इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटे, तो उससे जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल डायमेंशन बन जाता है, इसे कहते हैं पेप्टाइजेशन, और यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसे कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है बेटे, तो आपने क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को मिक्स करना है विथ एन इलेक्ट्रोलाइट विच हैव कॉमन आयन। ठीक है बेटे, एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, FeCl3 is an electrolyte which is added to FeOH thrice and it is a freshly prepared precipitate. अब देखिए, प्रेसिपिटेट में Fe, इलेक्ट्रोलाइट में Fe. ठीक है बेटे, तो ये Fe जो है ये इस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। जैसे यहाँ देखिए, FeOH thrice ये आपकी प्रेसिपिटेट थी, Fe3 पॉजिटिव आयन इस पर एड्जॉर्ब हो गए और ये बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। ठीक है बेटे, तो ये आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। कई बार इस तरह क्वेश्चन भी आपको आएगा कि आप पेप्टाइजेशन क्या है डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, या फिर आपको कुछ दे देंगे इस तरह से कि प्रिपेयर कीजिए पॉजिटिव सोल नेगेटिव सोल, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये नेक्स्ट है, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें Ag पॉजिटिव आयन NO3 नेगेटिव आयन है, AgCl जो है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, तो इसमें जब इलेक्ट्रोलाइट आप KgNO3 ऐड करोगे तो कॉमन आयन क्या है Ag इस पर एड्जॉर्ब होगा, अगेन फॉर्म करेगा पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, राइट। देन उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट है NaOH, इसमें Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन है, इसको हमने ऐड किया FeOH थ्राइस, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, OH नेगेटिव आयन यहाँ एड्जॉर्ब होगा और आपका नेगेटिव चार्ज सोल बन जाएगा। तो इस तरह से आप कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग पेप्टाइजेशन मेथड। ठीक है बेटे, तो पेप्टाइजेशन मेथड इज़ अ मेथड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन इन डिस्पर्शन मेथड। ठीक है बेटे, तो इन डिस्पर्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। वन इज़ मैकेनिकल डिस्पर्शन, सेकेंड इज ब्रैग आर्क मेथड, एंड थर्ड इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन एंड ब्रैग आर्क, ये दो मेथड इसमें कॉमन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है आपको। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से करना है, ये फॉर एग्जांपल्स याद रखने बहुत ज़रूरी एग्जांपल्स हैं। देन मूव करते हैं टुवर्ड कंडेंसेशन मेथड, थर्ड मेथड इज कंडेंसेशन मेथड। इन कंडेंसेशन मेथड मैंने जैसे आपसे कहा था कि कंडेंसेशन का मतलब ये है बेटा कि इसमें आपने क्या करना है, छोटे छोटे जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं
उनको एग्रीगेट करके बिगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। कंडेंसेशन मेथड जो है बेटा, इसमें फर्स्ट मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का मतलब जिसमें आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था जिस सॉल्वेंट में, उसको अगर आप चेंज कर दें तो पार्टिकल्स जो हैं एग्रीगेट होकर कोलाइडल डायमेंशन में आ जाते हैं, इसे कहते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। तो कंडेंसेशन मेथड में पहली मेथड क्या है हमारी, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस प्रिपेयर्ड इन अल्कोहल, ठीक है, पहले हमने किसमें प्रिपेयर किया, अल्कोहल में, इज पोर्ड इन टू वाटर, अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर, ठीक है बेटा, मतलब सल्फर या फॉस्फोरस की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में लो होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। पहले हमने किस में इसलिए डिजॉल्व किया उसको, अल्कोहल में, फिर उसको कैसे पुट कर दिया, वाटर में, वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, लो है। तो इस तरह से हम क्या होता है वो एग्रीगेशन करेंगे और जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो आपका कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो आएगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से ये मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड जो है हम यूज़ कर सकते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड मेथड जो है आपकी इसकी वो है केमिकल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। क्या मेथड है, केमिकल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये केमिकल मेथड जो है बच्चों, इस केमिकल मेथड में यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस जो है इसका यूज़ करते हैं बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जिसके थ्रू आप कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। एंड फर्स्ट मेथड, केमिकल मेथड में भी कई अलग अलग मेथड हैं, फर्स्ट मेथड है डबल डिकम्पोजिशन। इन केस ऑफ डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है बेटे, देखिए ये एग्जांपल्स अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ आपको याद रखने बेटे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, यूजफुल इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है बेटा, हमें प्रिपेयर करना है As2O3 आर्सेनियस सल्फाइड डबल डिकम्पोजिशन, आर्सेनियस सल्फाइड का सोल प्रिपेयर करना है। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड As2O3, इससे हमने क्या किया, आर्सेनियस सल्फाइड से H2S गैस पास कराई, ठीक है, H2S गैस पास कराएंगे तो ये आर्सेनियस सल्फाइड का येलो सोल प्रिपेयर होगा प्लस साथ में वाटर। तो ये सिंपल सी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सोल। हमने क्या किया, आर्सेनियस ऑक्साइड जो है इस पर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराई और इससे हमें मिल गया आपका सोल, कौन सा, आर्सेनियस सल्फाइड का सोल मिल गया। सेकेंड जो हमारे पास है बेटा वो ये है, हमें प्रिपेयर करना है एंटीमनी सल्फाइड सोल। एंटीमनी सल्फाइड सोल के लिए अगेन हमने यूज़ किया इसी मेथड का, तो बेटा जो कंडेंसेशन मेथड है उसमें हम बात कर रहे हैं डबल डिकम्पोजिशन मेथड की। डबल डिकम्पोजिशन मेथड में जो है नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना था एंटीमनी सल्फाइड सोल। एंटीमनी सल्फाइड सोल में याद रखिए कि आपके पास यहाँ जो ये सब्सटेंस है इसे कहते हैं पोटेशियम एंटीमनाइल टर्टरेट कहते हैं, इसमें से H2S गैस पास कराते हैं। जो ये सब्सटेंस है इसको याद रखना इस तरह से आसान है, CHOCO, बस यहाँ पे SBO आ जाएगा। जब इसमें से H2S गैस पास कराएंगे तो जो SBO है, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस SBO को आपने रिप्लेस करना है H से, बाकी सब सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट में सब कुछ सेम है। यहाँ भी क्या बना, CHOHCO, नीचे SB2S3, ठीक है, प्लस 2H2O, ये बन गया आपका ऑरेंज कलर का सोल, किसका, एंटीमनाइल सल्फाइड का। तो एंटीमनाइल सल्फाइड एंड आपका आर्सेनियस सल्फाइड, ये दोनों सोल हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग विच मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है बेटा, अंडर द हेडिंग ऑफ केमिकल मेथड। नेक्स्ट सेकेंड इज ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड जो है बेटा, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने H2S को ऑक्सीडाइज कराना है विद द हेल्प ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये फॉर्म होगा H2O प्लस साथ में सल्फर का सोल फॉर्म हो जाएगा। जैसे इस मतलब जो है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गिव अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर सोल,
एंटीमोनी सल्फाइड सोल कोई सा भी, तो आपको ये रिएक्शंस याद रखनी है, ठीक है, कि हाउ वी प्रिपेयर सल्फर सोल बाय ऑक्सीडेशन मेथड और हाउ वी प्रिपेयर आर्सेनियस सल्फाइड सोल, एंटीमोनी सल्फाइड सोल और अदर सोल्स, ठीक है। एंड थर्ड मेथड इज रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड स्पेशली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड सिल्वर सोल। जैसे यहाँ पर आपने AuCl3 गोल्ड की क्लोराइड ली है, इसको SnCl2 10 क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन हुई और ये बन गया 3 SnCl4, ठीक है बेटे। Sn जो है +2 से +4 स्टेट में आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई, इसके मतलब रिडक्शन हुई और साथ में आपको मिल गया गोल्ड का सोल, AuSol आपको गोल्ड सोल मिल गया। ऐसे ही आप कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को टैनिक एसिड के साथ कराएं तो भी सिल्वर सोल मिलता है, या गोल्ड क्लोराइड को टैनिक एसिड के साथ कराएंगे तब भी उसे भी गोल्ड सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है रिडक्शन मेथड। बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड वी प्रिपेयर गोल्ड सोल, सिल्वर सोल। एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो है बेटा, इसमें FeCl3 को हाइड्रोलाइज कराया वाटर से, FeOH3 आयरन का, आयरन हाइड्रोक्साइड का रेड कलर का सोल प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से, FeOH3+3HCl। बेसिकली सभी मेथड में आपको रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, रिएक्शन याद रखनी है। तो ये बेटे डिफरेंट मेथड्स थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। कोलाइडल सॉल्यूशन, हाउ वी प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। क्लियर है?